इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज या अभयारण्य के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हम जानते हैं कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य या जूलॉजिकल पार्क का निर्माण, ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान ऐसे बड़े क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर कई प्रकार की जीव जंतु और पादप जातियाँ को प्रबंधित मानव प्रबंधन के अंतर्गत संरक्षित रखा जाता है। सन 1959 में नई दिल्ली में IUCN की एक सभा ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया था कि एक राष्ट्रीय उद्यान अपेक्षाकृत बड़ा क्षेत्र होता है। देखिए परिभाषा भी है लेकिन कितना लंबा कंटेंट है। इसमें बताया जाता है कि इसमें एक या अधिक पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक रूप से मानव विघटनकारी कार्यों में अतिक्रमण से खराब जो नहीं हुआ है, उन पौधों और जंतुओं की प्रजाति, विशेष वैज्ञानिक शिक्षा एवं आमोद प्रमोद के प्राकृतिक और भूस्थलीय स्थान या दृश्य हो जिसमें अत्यंत प्राकृतिक सुंदर दृश्य हो। मतलब आप जो पार्क देखते हैं, जूलॉजिकल गार्डन देखते हैं, काफ़ी सुंदर नज़र आता है। ठीक है, मतलब सुंदरता होती है वहाँ पर, पर्याप्त रूप से जैव विविधता वहाँ पर पाई जाती है ऐसा कहा जा रहा है, जहाँ देश के बसे महान व्यक्ति ने संभावित दुर्दशा या अतिक्रमण को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र से इसको हटाने का प्रयत्न किए हों, अर्थात पारिस्थितिक जियो मॉर्फोलॉजिकल या एस्थेटिक कारणों से इसका रखरखाव किया गया। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि उन सारे पादप जातियों को या एनिमल्स को हटाने का प्रयास करने लगते हैं, तो उस जगह पर उसी को बसा कर रखना, ठीक है, ये सुंदरता बना देता है वहाँ का, जहाँ पर्यटक की विशेष परिस्थितियों जैसे शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं आमोद प्रमोद के उद्देश्यों के लिए जाने का प्रावधान हो। ठीक है, तो भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करते हैं। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में जो स्थापित किए गए हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। एक है राजाजी पार्क जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल के पाटलीदून में स्थित है। ये पुराना नाम इसका हेली पार्क है। इसका क्षेत्रफल 99.97 वर्ग मील के बराबर है। ठीक है, समझ में। इस पार्क में किसी भी प्रकार के वन्य जीव और उनके बच्चों को मारना अपराध माना गया है। चमराज नगर राष्ट्रीय पार्क, इसको आपने सुना होगा, मैसूर कर्नाटक के जंगल में स्थित है। इस क्षेत्र में हाथी की संख्या बहुत ज़्यादा, जंगली हाथी को संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आता है गिर नेशनल पार्क। गिर मतलब गुजरात, ठीक है, विशेषकर एशियाई सिंह के लिए, मतलब एशियाटिक लायंस के लिए इस क्षेत्र को रिजर्व किया गया है। लगभग 50 वर्ष पहले संपूर्ण मध्य भारत एवं उत्तर भारत में पाए जाते थे, परंतु अब ये केवल इसी पार्क में पाए जाते हैं, गिर के जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह असम में स्थित है। यहाँ पर राइनोसिरस को संभाल कर रखा गया है, उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। 10 वर्षों में असम में इनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। राइनोसिरस। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात करें, उत्तराखंड में स्थित है। हाथी, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया आदि को संरक्षित किया गया। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जहाँ पर आप देखे होंगे, आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बाघ संरक्षण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। टाइगर प्रोजेक्ट यहीं पर शुरू किया गया था। पार्क को दो क्षेत्रों में बांट दिया, एक कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र। कोर क्षेत्र पार्क के केंद्र में स्थित है, 940 वर्ग किलोमीटर है। बफर क्षेत्र में कोर क्षेत्र के चारों ओर फैला हुआ क्षेत्र होता है जहां पर आप घूम सकते हैं। मानव गतिविधियां और जानवरों की चराई यहां पर प्रतिबंध होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। क्षेत्रफल 104 किलोमीटर। सांभर, गौर, गीदड़, गौसिंघा, नीलगाय, हायना ये सब संरक्षित की गई है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद बाघ इसी पार्क में खोजा गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद बाघ इसी में है, पार्क में आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर कभी कभी पूछ देते हैं, तो आपको ये तैयार करना है। एक दूसरे के समानार्थी तो माने जाते हैं लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है, याद रखना, तकनीकी रूप में अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, पशु की चराई वर्जित होती है, उद्यान के अंदर की आबादी को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाता है, जबकि अभयारण्य के अंदर मानव आबादी हो सकती है, मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं हो सकती। मतलब अभयारण्य के अंदर मानव गतिविधियां हो सकती है, पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं रहती। ऐसे ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में स्थित है। 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बाघ, तेंदुआ, बारसिंगा, जंगली भैंसा 1982 में यहाँ पर टाइगर संरक्षण रिजर्व के अंदर घोषित किया गया था। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल आदि जीव पाए जाते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले में स्थित है। 1440.705 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल इसका। बाघ, तेंदुआ, चीतल, इसके अलावा और कई प्रकार के अन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देते हैं भारतवर्ष में चलाई जाने वाली वन्य जीव परियोजना के बारे में, तो ये परियोजना आप लोग याद कर लोगे। अच्छा, हाथी परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में शुरू हुआ, राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ था, हाथी परियोजना 1991 में शुरू हुआ, राइनो गेंडा
संरक्षण से संबंधित है, परियोजना से संबंधित है, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई। ठीक है, ऐसे ये प्रोजेक्टों का आप लोग याद कर सकते हैं। ये जो संजय राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने बताया, इस संजय राष्ट्रीय उद्यान को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग सेंचुरीज की या अभयारण्य की। सेंचुरीज या अभयारण्य ऐसे वृहत वन क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, जहाँ पर जीव जंतुओं को उनकी प्राकृतिक आवास में कम से कम मानव हस्तक्षेप के अंदर संरक्षित किया गया हो, जहाँ पर पर्यटन की इजाज़त हो, शोध कार्य और वैज्ञानिक गतिविधियों का अभाव होता है। इस जगह पर शोध कार्य और वैज्ञानिक गतिविधि नहीं होती। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनस्पति और जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य और जंतु उद्यान स्थापित किए हैं। भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान और 543 अभयारण्य हैं। देखिए ये नया आंकड़ा है, इसको आप लोग याद करेंगे। भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान और 543 अभयारण्य हैं जिनमें कई वन्य जीवों को संरक्षित की गई है। भारतवर्ष के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में बात करें तो इसमें गिर वन गुजरात जो कि 500 गुजरात में है, 500 वर्ग मील में फैला हुआ है। भारतीय सिंहों का शरण स्थल माना गया, सेंचुरीज माना गया इनको। ठीक है, यहाँ पर चीतल, चिकारा, चिंकारा, सांभर, नीलगाय भी पाए जाते हैं। कांजीरंगा अभयारण्य असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 40 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक सिंह वाला गैंडा यहाँ प्रमुख रूप से विद्यमान है। कान्हा सेंचुरीज मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ, चीता, शेर, जंगली कुत्ते, हिरण अभयारण्य, हिरण पाए जाते हैं। मधुमलाई अभयारण्य, मधुमलाई जैसे है तो तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में होता है। इसके अलावा अन्नामलाई भी होता है, तमिलनाडु को कोयम्बटूर में स्थित है, है ना, वो भी मिलेगा आपको पढ़ने को। अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सांड, सांभर, चीतल, हाथी, साढ़ी, शाही, उड़ने वाली गिलहरी, बोनेट बंदर, भेड़िया, बाघ, चील आदि का अभयारण्य माना गया है। इसके अलावा और देखने को मिलेगा, जैसे आपको घाना पक्षी अभयारण्य या राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। साइबेरियन सारस, पनकौवा, बटेर, बगुला, स्टार्क, इन पक्षियों के लिए संग्रह स्थल है, ये संरक्षण स्थल है। ये बानीपुर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर बाइसन, जंगली कुत्ते, हाँ जंगली हाथी, जंगूर बाघ और सिंह का अभयारण्य है। अन्नामलाई, अन्नामलाई देखो आगे, मधुमलाई की बात मैंने बताया था अन्नामलाई को, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। यहाँ पर सांभर, चीतर, कांकड़, बाघ, चीता, सांड, सिंह, अंगूर, लंगूर सब देखे जा सकते हैं। मानस अभयारण्य नाम थोड़ा अटपटा ऐसा लगेगा जैसे मानव है यहाँ पर, लेकिन नहीं, यह असम में हिमालय की निचली पहाड़ियों में स्थित है, है ना। जंगली हाथी, बाघ, जंगली भैंस, पक्षियों के बतख, पेलिकन नामक वन्य जीव इसमें पाए जाते हैं। पोरियार अभयारण्य या केरल राज्य में 1900 फुट की ऊंचाई पर एक झील के चारों तरफ स्थापित है। इस अभयारण्य में सांभर, कांकड़, जंगली सुअर, सांड, हाथी, जंगली कुत्ते, बाघ पाए जाते हैं। जल्दापारा अभयारण्य या पश्चिम बंगाल में स्थित गैंडों का अभयारण्य है। ठीक है, इसके अलावा मुंडथुराई अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित बाघ, चीता, सांभर, चीतल और तेंदुआ का शरण स्थल है। इसकी स्थापना सन 1962 में की गई थी। ठीक है, तो ये पूरे कंटेंट है जिसको राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के अंतर्गत आपको पढ़ना है।